तो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल WWE डेली में। अब वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले कोडी रोड्स के साथ स्मैकडाउन पर हो गया। अब आप सब जानते हैं कि सभी को लग रहा था कि रोमन रेंस को आकर चैलेंज करेंगे कोडी रोड्स और इसके बाद इनका मैच रेसलमेनिया के लिए कंफर्म हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर असली धमाका तब हुआ जब कोडी रोड्स इंट्रोड्यूस करते द रॉक को और द रॉक आकर फेस टू फेस खड़े हो जाते हैं रोमन रेंस के और इस तरीके से स्मैकडाउन एंड होती है। और इसके बाद WWE ने अनाउंस कर दिया कि लास वेगास में नेक्स्ट थर्सडे को एक इवेंट होगा और वहाँ पर मोस्ट लाइकली इस मैच को ऑफिशियली कन्फर्म किया जाएगा। अब काफ़ी लोग नाराज़ हैं कि भाई कोडी रोड्स को उसका मैच क्यों नहीं मिल रहा और अगर कोडी रोड्स को मैच देना ही नहीं था तो रॉयल रंबल जितवाने का क्या फ़ायदा। और यहाँ पर फैंस का भी जो नाराज़गी है कहीं ना कहीं जायज़ है क्योंकि यहाँ पर WWE ने जो बुकिंग डिसीजन लिए वो काफ़ी डम थे। यहाँ पर कोई भी इसे जस्टिफाई नहीं कर सकता कि भाई WWE ने ऐसा क्यों किया। और मैं भी ये मानता हूँ कि द रॉक वर्सेज रोमन रेंस ऑब्वियसली ज़्यादा बड़ा मैच है एज़ कम्पेयर टू कोडी रोड्स वर्सेज रोमन रेंस, लेकिन यहाँ पर और बेटर तरीके से चीज़ें हो सकती थी। अब काफ़ी लोग कहेंगे कि यहाँ पर सीएम पंक इंजर्ड हो गए, रॉक लेसनर नहीं आने वाले और विंस मैकमैन के राउंड भी काफ़ी जो नेगेटिविटी है उसे हटाने के लिए WWE ने फैंस के माइंड को डाइवर्ट करने के लिए बड़ी अनाउंसमेंट करी है, इसी वजह से कोडी रोड्स वर्सेज रोमन रेंस का मैच नहीं होने वाला। अब जिन लोगों ने मेरी रॉयल रंबल की प्रेडिक्शन वीडियो देखी होगी वहाँ पर मैंने कहा था कि मैं भी चाहता हूँ कि रोमन रेंस वर्सेज द रॉक का मैच हो रेसलमेनिया में, लेकिन WWE ने रॉयल रंबल में क्या किया, कोडी रोड्स को रॉयल रंबल मैच जितवा दिया। वहाँ पर मैंने बताया था कि मुझे सही डिसीजन नहीं लग रहा है और उसके बाद हमने क्या देखा कि रोमन रेंस को चैलेंज कर रहे थे कोडी रोड्स, वहीं पर कह रहे थे रोमन मैं तेरे लिए आ रहा हूँ। उसके बाद रॉ पर हमने देखा कि आखिर सेथ रॉलिंस उन्हें कन्विंस करने की कोशिश कर रहे थे कि मुझे चैलेंज कर दो, लेकिन स्मैकडाउन पर आकर कोडी रोड्स ये कहते हैं कि भाई जो सेथ रॉलिंस का टाइटल है वो नहीं, मुझे रोमन रेंस का टाइटल चाहिए क्योंकि उस टाइटल से मेरे फादर का कनेक्शन है और रोमन रेंस मैं तुम्हारे लिए आऊँगा लेकिन रेसलमेनिया में नहीं। अब मुझे खुद बताइए जो रॉयल रंबल का विनर है वो तो रेसलमेनिया में जाकर मेन इवेंट करता है, अब यहाँ पर रॉयल रंबल का विनर आके कह रहा है चैंपियन से कि मैं तुम्हें चैलेंज तो करूंगा लेकिन रेसलमेनिया में नहीं करूंगा। अब भाई ये कौन सी सेंस हुई। यहाँ पर कोडी रोड्स के कैरेक्टर को एकदम जोकर दिखाया गया है, मेरे हिसाब से इसकी कोई भी सेंस नहीं बनती। अब अगर हम बात करें कि आखिर क्यों WWE रोमन रेंस वर्सेस द रॉक का मैच रेसलमेनिया में करवाना चाहती है, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर द रॉक ने पुश किया होगा कि भाई मुझे रोमन रेंस से मैच चाहिए एट रेसलमेनिया। और द रॉक भी भाई काफ़ी बड़े सुपरस्टार हैं, वो भी चाहेंगे कि रेसलमेनिया जैसे लेवल पर उनका रोमन रेंस का मैच हो जो कि सब देखना चाहते हैं। लेकिन ऐसा लगता है इस बड़े ड्रीम मैच को फैंस से काफ़ी ज़्यादा गालियाँ मिलने वाली है क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखोगे यूट्यूब वीडियो जो WWE ने अपलोड किया वहाँ पर लाइक से ज़्यादा डिसलाइक, और ऐसा हमें अक्सर तभी देखने को मिलता है जब फैंस बहुत ज़्यादा नाराज़ हो, जो कि ऑब्वियसली बात है तभी वो डिसलाइक करेंगे। लेकिन यहाँ पर काफ़ी ऐसे लोग भी हैं जो कि इस मैच को डिफेंड कर रहे हैं, उनके हिसाब से ये मैच होना चाहिए और मुझे भी लगता है ये मैच करवाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो WWE ने तरीका ढूंढा उसमें दिक्कत है। अब बात करते हैं कि भाई कोडी रोड्स का क्या होगा, क्या वो सेथ रॉलिंस को चैलेंज करेंगे, तो मेरे हिसाब से भाई कोडी रोड्स सेथ रॉलिंस का मैच मैं तो नहीं देखना चाहता, ऑलरेडी काफ़ी बार देख चुका हूँ और यहाँ पर ज़्यादा कुछ स्टोरी लाइन में इनके बताने के लिए है भी नहीं, सारी स्टोरी इनकी फिनिश हो चुकी है। तो ऐसे में आप कोडी रोड्स करेंगे क्या, वो काफ़ी बड़ा सवाल है। लेकिन अगर कोडी रोड्स सेथ रॉलिंस को चैलेंज करने भी चले जाते हैं तो वो मेरे हिसाब से डम डिसीजन होगा क्योंकि कोडी रोड्स ऑलरेडी खुद बोल चुके हैं कि मुझे रोमन रेंस का टाइटल चाहिए, अब वो किस मुंह से सेथ रॉलिंस से लड़ने जाएंगे, फिर तो यही बात होगी ना भाई तुम्हें रोमन रेंस नहीं मिल रहा तो सेकेंडरी टाइटल सेथ रॉलिंस के बाद चले जाओ। मेरे हिसाब से यहाँ पर वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप का मैच मेरे हिसाब से सेथ रॉलिंस वर्सेस ड्रू मैकइंटायर ये मैच होना चाहिए। अब कोडी रोड्स का क्या होगा वो तो भाई आने वाले टाइम में पता चलेगा। अब कुछ थ्योरीज ये निकल कर आ रही है यहाँ पर कोडी रोड्स रोमन रेंस को एलिमिनेशन चैम्बर में चैलेंज कर देंगे, लेकिन करंटली रोमन रेंस एलिमिनेशन चैम्बर के लिए अवेलेबल नहीं है, वो एलिमिनेशन चैम्बर में काम नहीं करेंगे। इसके अलावा एक और फैक्ट है जो कि यहाँ पर WWE के माइंड में चल रहा है और वो ये कि रोमन रेंस हल्क होगन के रिकॉर्ड को तोड़ दे। मैं आपको बता दूँ हल्क होगन 474 डेज तक WWE वर्ल्ड चैंपियन रहे थे, तो ऐसे में WWE चाहेगी कि रोमन रेंस ऐसे सुपरस्टार बने जो कि सेकंड लॉन्गेस्ट रेनिंग चैंपियन ऑफ ऑल टाइम बन जाए WWE हिस्ट्री में आफ्टर ब्रूनो सैन मार्टिनो। और पता चला भाई ब्रूनो सैन मार्टिनो का रिकॉर्ड भी रोमन रेंस तोड़ दें, वैसे उसके चांसेस काफ़ी कम लग रहे हैं, लेकिन हाँ ये एक फैक्ट भी WWE के दिमाग में होगा कि भाई हल्क होगन का भी रिकॉर्ड तोड़ दो, बाद में क्या पता मौका मिले ना मिले। तो इसमें WWE इस आइडिया को लेकर भी चल रही है, शायद इसी वजह से रोमन रेंस अब रेसलमेनिया में भी टाइटल को रिटेन कर लेंगे क्योंकि ऑब्वियस सी बात है द रॉक तो चैंपियनशिप लेने नहीं वाले। तो इसमें देखते हैं भाई क्या कोडी रोड्स वर्सेस रोमन रेंस का मैच रेसलमेनिया में नेक्स्ट ईयर होगा या फिर WWE समर स्लैम या फिर सऊदी अरेबिया के किसी शो में इस मैच को करवाने वाली है। कमेंट सेक्शन में अपने थॉट्स मुझे ज़रूर बताइए।